नमस्कार, आप देख रहे हैं कोमल चौहान के साथ इंडिया समाचार। पिपरी घाट अंडरपास के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बाइक सवार बदमाश राम स्नेहल लोनिया पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान राम स्नेहल लोनिया का साथी पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। पकड़ा गया बदमाश राम स्नेहल लोनिया 25,000 का इकनामिया। क्राइम ब्रांच और गोमती नगर विस्तार पुलिस ने बदमाश को घायल कर दबोच कर मौके से फरार हुए बदमाश की पुलिस की टीम 6 कर ली तलाश। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में हुई बदमाश और पुलिस की मुठभेड़। चलिए चलते हैं अपने संवाददाता मोनू वर्मा की खास रिपोर्ट पर। सर, आज कमिश्नरेट पुलिस की मुठभेड़ हुई है, किस बदमाश को गोली लगी, क्या घटना रही है? कमिश्नर पुलिस गोमती नगर वाला एरिया है, जहाँ पे गोमती नगर की पुलिस टीम को सूचना थी कि कुछ बदमाश यहाँ पे आ सकते घटना को कारित करने के लिए। गोमती नगर पुलिस ने अपनी नाकाबंदी करके चेकिंग कर रहे थे, तभी दो व्यक्ति जो है बाइक से चल रहे थे। पुलिस ने उसको रोकने के लिए बोला, उन्होंने रुके नहीं। इनफैक्ट जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायर कर दिया। इस फायर में आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने कंट्रोल फायर किया और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ, ये व्यक्ति का नाम राम सनही है, सीतापुर का है। इसके अच्छी खासी लंबी चौड़ी आपराधिक इतिहास है। इनफैक्ट इसी थाना क्षेत्र से ये एक मुकदमे वांछित भी है। दूसरी जो क्रिमिनल है उसके लिए टीम लगी हुई है। अभी जो है जो फर्स्ट जिसको गोली लगी है उसको इमीडिएट मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है। सर, जो आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया, उसकी तलाश की जा रही है? जैसे मैं बोला, उसको उसके लिए लगातार कॉम्बिंग चल रही है। 6 टीम लगी हुई है और उन बहुत जल्दी ही वो भी गिरफ्तार हो जाएगा।